नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम एक डॉगी लेके आते हैं तो बहुत मन से लेके आते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं। तारा इधर आओ, तारा देखो, केयर करते हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं और उसका ध्यान भी बहुत रखते हैं। पर एक हमारी छोटी सी गलती की वजह से वो डॉगी है जो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जो उसके पाँव होते हैं, ये देखिए, ये आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है डॉगी के साथ। ये देखिए, जो इसके पीछे वाले पाँव होते हैं ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं, किस वजह से हो जाते हैं? तारा देखो, इधर आओ, इधर आओ, लो लो, वो चीज मैं आज आपको बताऊंगी क्या है। हम डॉगी को लेके आते हैं तो कई लोग क्या है, उसको मार्बल के फर्श पे रखते हैं। वो उसको मार्बल के फर्श पे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए डॉगी को, क्योंकि मार्बल का फर्श है वो बहुत चिकना होता है और जब भी डॉगी इधर उधर घूमने के लिए करता है तो वो उस पर फिसल जाता है और गिर जाता है। इस वजह से उसके पाँव टेढ़े हो जाते हैं। एक तो ये कारण होता है, ये सबसे बड़ा कारण होता है। अगर हमें डॉगी का रखने का शौक है तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसी जगह बनानी चाहिए हमें रखने के लिए कि फर्श नहीं हो वहाँ पे। अगर फर्श है हमारे पास में तो उसको किसी गार्डन में लेके जाएं घुमाने के लिए, या बाहर हमारे कोई कच्चा हो थोड़ा तो वहाँ लेके जाना चाहिए हमें उसको, तो उससे भी उसकी ये जो दिक्कत है काफी हद तक दूर हो सकती है। और एक दूसरा कारण क्या है उसका, दूसरा किस वजह से वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्या कैल्शियम की, कैल्शियम की दवाई आती है जो 3 से 6 महीने के अंदर ही उसकी ग्रोथ होती है डॉगी की। 3 से 6 महीने के अंदर ही उसकी ग्रोथ होती है, वो चीज हमें कैल्शियम की दवाई उसी टाइम पे देनी चाहिए उसको। उस वजह से भी ये समस्या है उसके पाँव की टेढ़े होने की, ये बहुत आसानी से दूर हो जाती है। और तीसरा सबसे जरूरी जो चीज होती है वो क्या होती है, डॉगी की एक्सरसाइज। वो हमें टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि डॉगी को बस ले आए और घर पे लेके आ गए और उसको बांध दिया और उसकी कोई एक्टिविटी नहीं करवाएंगे तो उसकी पाँव है जो वो टेढ़े होने की दिक्कत रहती है। इसलिए उसको घुमाना चाहिए और उसकी एक्सरसाइज दिन में कम से कम 1 घंटे सुबह शाम उसकी एक्सरसाइज करवानी चाहिए। उसी से ही वो हेल्थी रहेगा और बिल्कुल फिट रहेगा। ये थे कुछ तरीके मैंने बताया आपको कि आपके डॉगी के अगर पाँव टेढ़े, ये देखिए ये जो पाँव है ये टेढ़े हो जाते हैं, उससे चाहे हम कितना भी महंगा डॉगी ले आए, कितना भी अच्छे से अच्छा डॉगी ले आए, तारा देखो, तो वो बिल्कुल उसके पाँव टेढ़े हो जाते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं और अपने डॉगी का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ कारण थे जो मैंने बताए आपको। अगर आप थोड़ी सी भी सावधानी बरतते हैं तो हम इस परेशानी से हमारे डॉगी को बचा सकते हैं और उसका ध्यान रख सकते हैं। और ये थी मेरी कुछ छोटी सी जानकारी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। और मेरी जानकारी से कुछ भी आपके डॉगी को थोड़ा सा भी फायदा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।